प्रदेश सरकार एक तरफ गरीबों को मकान देने का वादा कर रही है और दे भी रही है, लेकिन फिरोजाबाद के गांव नगला तेजपुर के रहने वाले व्यक्ति तेजपाल का कहना है कि गांव के दबंगों से मिलकर कानून और लेखपाल व तहसीलदारों ने उसका आशियाना उजाड़ दिया है। तेजपाल अपने परिवार के साथ बेघर हो गया है। वह अब अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठा है। वहीं जिला अधिकारी नेहा शर्मा जी ने इस मामले में जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। मामला थाना एका के गांव नगला तेजपुर का है, जहां व्यक्ति तेजपाल का मकान करीब सवा महीने पहले कानून को भगवान सिंह तहसील शिकोबाद व कानून को ब्रजेश उपाध्याय तहसील जसराना लेखपाल अनोखे लाल थाना एका से पुलिस फोर्स व कुछ गांव के दबंगों को लेकर गरीब तेजपाल के मकान को तोड़ने पहुंचे तो तेजपाल को धमकाते हुए कहा कि जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी का आदेश है कि मकान खाली कर दो, नहीं तो यहां से भाग जाओ। इतना सुन तेजपाल डर के अपने परिवार को लेकर दूर खड़ा होकर अपने अशियाने को उजड़ता देखता रहा, कुछ कह ना सका और दबंगों ने मकान पर जेसीबी मशीन चलवा दी और मकान तोड़वा दिया। तेजपाल है साहब, क्या मामला है तुम्हारा? मेरा मकान टूट दो गो 27 तारीख को 5 महीना में साहब, और जो लेखपाल हुए कानी वो ये जो हमारी सर्किल के उन्हों हैं साहब, और एक सुखावाद से भगवान सिंह होंगे कानी को नगला पीपरिया से, एक ब्रजेश उपाध्याय आएंगे और एक अनोखे लाल लेखपाल हैं जो एटामा से आते हैं मुश्ताबाद सर्किल पे हैं साहब, और यही लोग आएंगे साहब और गांव वाले सर्किल से भी कोई कोई तहसील से। एक कहानी वो गए थे ब्रजेश उपाध्याय साहब जी सर, और उनने कहा गया था जो कही नेक दे रहा, हमने सारा खसवा दिया, कोई एसडीएम के पास हम गए तो उनने कही हमारा कोई आदेश नहीं है, हमसे जिकाई गई डीएम साहब को आदेश हम पे और एसडीएम साहब को आदेश है साहब, उनने जी बात कही हमसे पुलिस फोर्स उनके साथ है तो हम तो भाज गए, फिर उनके डर के मां साहब क्या करते, फिर लाठी डंडा लेके गए तो हम क्या करते फिर उनके पास, तो उनने साहब जो टूट दो कोई आदेश नहीं दो हमारे पास, आज तक एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हीं के पास जाती हैं, डीएम साहब दे देते हैं, एसडीएम को वो दे देते हैं, कानी गोय को कानी गोय दे देते हैं, लेखपाल और नहीं टरवा हुआ वो, जिसकी वजह से तेजपाल का परिवार बेघर होकर जिले के समस्त अधिकारियों के चक्कर एक महीने से लगाते लगाते तेजपाल को खुद इस भीषण गर्मी में चक्कर आने लगे, पर कोई भी अधिकारी घर नहीं दिला सका। काफ़ी ठोकरें खाने के बाद मजबूर तेजपाल अपने परिवार को लेकर मुख्यालय के गेट पर निश्चित कालीन के धरने पर बैठ गया। तेजपाल ने बताया कि एक नीलकमल नामक लेखपाल ने 30,000 रुपये मांगे थे और कहा यदि 30,000 रुपये अभी दे दोगे तो आपका मकान अभी नहीं टूटेगा। 4 दिन धरने पर बैठे दिखे जिला अधिकारी ने अपर जिला अधिकारी को धरना स्थल पर भेजा और तुरंत निस्तारण के आदेश देते हुए जो भी अधिकारी व कर्मचारी गलत पाए जाएंगे उनके विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। परिवार बैठा हुआ है, गलत किसी मकान का है वो बताता है, क्या मामला? एक परिवार बैठा हुआ था, वो एक वृद्ध व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी, उनके द्वारा इसमें कंप्लेंट थी कि हदबंदी के दौरान जो पैमाइश हुई उस पैमाइश में जो राजस्व टीम गई उन्होंने उनके मकान को क्षतिग्रस्त किया और उससे शुद्ध होकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने जानकारी करवाई, मामले की तथ्यात्मक जानकारी करवाई तो उसमें हदबंदी हुई थी और उस पर पैमाइश के लिए राजस्व टीम गई थी, लेकिन राजस्व टीम के पास में किसी उच्च अधिकारी का आदेश ना होने की दशा में इतना बड़ा निर्णय जो उन लोगों ने लिया उसके लिए हमने उस पर कार्रवाई की है जो राजस्व टीम है, और इस बात को ये शुद्ध व्यक्ति को भी बताया, उससे वो लोग आश्वस्त हो गए और आज उन्होंने इस धरने को ख़त्म भी कर दिया। इसीलिए वो जो कंसर्न लेखपाल जो गए हैं उनके विरुद्ध में FIR के आदेश निर्गत किए। लेखपाल ने 30,000 रुपये की डिमांड भी रखी थी। FIR से बड़ी तो विधिक कार्रवाई कुछ हो ही नहीं सकती है।